एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इंग्लिश रील। सो फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ पे टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन होती है। अभी हमने वोकैब की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, स्टेप बाय स्टेप हम सीरीज कर रहे हैं जिससे कि आप डेली उसकी प्रैक्टिस कर सकें, उसको सुन सकें। सुनने से और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होता है। तो ये जो सीरीज़ है इडियम और फ्रेजेस की है, और ये हमने अब एसपी बख्शी की ली है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। कई सारे वीडियोस हैं, वो भी अलग अलग बुक से हैं। और आज हम जो करेंगे वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एसपी बख्शी की, ठीक है। तो आज हम वर्कबुक एक्सरसाइज ए सॉल्व कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। देखिए, हो सकता है फॉन्ट आपको छोटे लगे, इसलिए अगर आप चाहें तो आपके पास सभी के पास में बुक होगी, आप बुक लेके भी बैठ सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीके की जो आप पैसे देके लाइव क्लास करते हैं, ठीक उसी तरीके से, लेकिन आपका समय बचाते हुए ये क्लास होगी, टू द पॉइंट क्लास होगी, ठीक है। तो आप अपनी बुक भी लेके बैठ सकते हो, अच्छी खासी आपकी डेली एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए, वी शुड गिव अ वाइट बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम, गिव पब्लिकली टू, पब्लिकली कंडेम, नॉट सिंपथाइज विद। सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। जो आपको बिल्कुल भी इस वर्ड से कनेक्टेड नहीं लग रहे हैं, सबसे पहले तो उनको आपको क्रॉस आउट करना है। उसके बाद में आप बहुत ही नज़दीक पहुंच जाएंगे किसके, जो आंसर आपका सही होगा। और मैं हमेशा आपको एम्फसाइज करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आप जो एलिमिनेशन मेथड है वो ज़रूर अडॉप्ट करें, ठीक है। तो वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। अब बैड कैरेक्टर्स को वाइड बर्थ आप कैसे दे सकते हो, टू कीप अवे, उनसे क्या रहना चाहिए, आपको दूर रहना चाहिए। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वाइड बर्थ। नेक्स्ट है, सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप सेंटेंस का मतलब निकालना सीखेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इडियम फ्रेजेज या फ्रेजल वर्ब उस टाइप के होते हैं कि उनके अलग अलग सेंटेंस में जो मीनिंग है वो भी वेरिएट करते हैं कि किस सेंस में दिया हुआ है, तो आपका रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो सुमित हैड टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटी, ठीक है, सॉरी स्कूटर की। तो उसको क्या है, हाई एंड लो, मतलब कि सब जगह उसको ढूंढना था, ठीक है। तो एवरीवेयर आ जाएगा उसको अपनी स्कूटर की ढूंढने के लिए, उसने सब जगह देखा, हाई एंड लो। यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट अ ब्राइब, ठीक है। यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट अ ब्राइब। अब यहाँ पे क्या है कि ब्राइब की बात हुई है, मतलब कि यहाँ पे घूस की बात हुई है। तो रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफ़र मच हरासमेंट। तो सारी डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है आपको, सारी डायरेक्शन में आप दौड़ लो, भाग लो, लेकिन आपको क्या होगा, हरासमेंट ही होगा। इसलिए यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आप सारी डायरेक्शन में भाग लो, दौड़ लो, सब कर लो, बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट अ ब्राइब। तो ब्राइब वाला तो मैटर आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, एट अ पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। अब पार्टी में क्या है, हाई स्पिरिट्स का मतलब ये नहीं कि वो एकदम क्या रहता है, यहाँ पे हो सकता है आपको एंथुजियास्टिक भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे बात हुई है पार्टी की। अब देखिए, इसी से चीज़ें हम रिलेट करते हैं, एट अ पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। अब यहाँ पे किसी वर्क से रिलेटेड, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी जॉब से रिलेटेड आता, या फिर किसी इंटरव्यू से रिलेटेड उसमें ये वर्ड आता, तो हो सकता है वहाँ पे एंथुजियास्टिक आता, इस टाइप से कुछ आता, लेकिन हाई स्पिरिट्स यहाँ पे है तो वो हमेशा क्या होता है, चेयरफुल ही रहेगा। पार्टी में आप ना तो रोते नहीं हो, दुख नहीं जताते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट थोड़ी होगे पार्टी में, आप चेयरफुल ही होगे, ठीक है। तो चेयरफुल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज पॉइंट ब्लैंक। शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल मैरिज पॉइंट, ठीक है, ब्लैंक मतलब सीधे, ना इधर को टर्न लिया ना इधर को टर्न लिया, डायरेक्टली बोल दिया कि भाई नो मीन्स नो, ठीक है। तो उसने प्रपोजल क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पॉइंट ब्लैंक पे डायरेक्टली। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आ ग्रीन आइड फ्रेंड्स। वी शुड गार्ड अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट का मतलब है यहाँ पे कि वी शुड बी वेरी प्रिकॉटिव, ठीक है, वी शुड बी वेरी अलर्ट विद दीज काइंड ऑफ फ्रेंड्स। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, और ये सच भी है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना जो एक्सपीरियंस है ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके स्कूल टाइम में भी फ्रेंड्स ने बोला होगा, अरे कल मैं नोट्स दे दूंगा या दे दूंगी, और एंड टाइम पे आपने मना कर दिया, अरे मेरे पास तो नहीं है। बहुत पोलाइट दिखते हैं लेकिन होते बहुत क्या है, डेंजर।
तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए भाई, सबको सबकी हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहती हूँ नॉलेज इज नेम ऑफ शेयरिंग। चलिए पॉइंट से भटकते नहीं हैं, वी शुड गार्ड अगेंस्ट अ ग्रीन आइड फ्रेंड। अब ये ग्रीन आइड कौन है, जो कि बहुत ही क्या रहते हैं, जेलस रहते हैं। सो यू शुड बी वेरी अलर्ट फ्रॉम देम, ठीक है, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। गार्ड आपको खुद को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए उनसे। इट वॉज क्लियरली अ केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक व्हेन जगजीत सेड दैट रामू वॉज अ थीफ, ठीक है। जब जगजीत ने क्या कहा कि रामू क्या है, एक थीफ है। इट वॉज क्लियरली अ केस ऑफ पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। तो पॉट कॉलिंग किसको कहते हैं, पॉट कॉलिंग यहाँ पे किसको बोला जाएगा, जब क्रिटिसाइज कोई करता है, समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर अ फॉल्ट विच ही हिमसेल्फ हैज, ठीक है। खुद तो आप जो हैं वो गलत हैं ही, लेकिन खुद की गलती को छुपाने के लिए आप दूसरे के अंदर क्या करने लग जाते हैं, नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं। तो इसलिए इसमें बोला गया है इट वॉज क्लियरली अ केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ठीक है। पॉट क्या कह रहा खुद ही कि केटल ब्लैक है, मतलब कि समवन क्रिटिसाइजिंग अनदर, दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है उस गलती के लिए जो उसने खुद ने ही की है, या वो खुद ही फॉल्टियर है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप। अब देखिए साइट ऑफ द एक्सीडेंट, जो भी एक्सीडेंट रहा हो, मीन्स यहाँ पे मिस्टर ए जा रहे हैं और ऑल ऑफ सडन मिस्टर बी ने इधर कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा, तो उनको क्या हो गया, फ्लैश क्रीप हो गया। फ्लैश क्रीप जैसी उनका इमोशन आया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वरीड मी। देखिए इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ड्र्यू माई अटेंशन, नहीं, साइट ऑफ द एक्सीडेंट लिखा है, तो देख तो उसने पहले ही लिया, तो अटेंशन क्या ड्र्यू करेगा। उसके बाद है कन्फ्यूज्ड मी, बिल्कुल ही इससे मैच नहीं कर रहा है। अब भाई आपको दो ऑप्शन मिल गए, या तो आप वरीड लगाओ या आप फ्राइटेंड लगाओ, मीनिंग दोनों का सिमिलर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। वरीड और फ्राइटेंड में डिफरेंस होता है। वरीड मतलब होता है चिंताजनक, फ्राइटेंड मतलब होता है जिससे आपको डर लग गया, ऐसा परगेशन ऑफ फियर आपके अंदर से आया, ठीक है। तो वो जो है, तो इसको आप क्या बोलोगे, फ्लैश क्रीप, मतलब एकदम जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, पूरा हिला के रख दिया, तो वो फ्राइटेंड मी होगा, ठीक है। वरीड से आप डरते हो, ओ माई गॉड आई एम वरीड अबाउट योर हेल्थ, वाई यू आर गेटिंग सो लो नाउअडेज, तो वो दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए मैं कहती हूँ रटाफिकेशन नहीं, ही इज अ क्वेयर फिश, आई हैव फेल टू अंडरस्टैंड हिम, ही इज अ क्वेयर फिश, आई हैव फेल टू अंडरस्टैंड हिम, मैंने मतलब मैं फेल कर गई किस में, उसको समझने में। होता है कई बार कि हम किसी को समझते कुछ हैं और वो निकलता कुछ है, हम उसे समझने में गलती कर देते हैं, सही बात बोले तो। तो नाइन्थ का होगा आपका सी, स्ट्रेंज पर्सन, कुछ लोगों को हम नहीं समझ पाते, बहुत अजीब सा उनका नेचर होता है, ठीक है। जैसे अभी आप प्लेटफॉर्म, ये जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा है उसी को देख लीजिए, चीज़ें क्या होती है, और आप पढ़ने बैठते हो और क्या क्या जो थंबनेल वगैरह देख के आप क्लिक करते रहते हो, न्यूज़ में फंसे रहते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ बहुत ज़रूरी है समझना। देन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव टू बी अ मेयर्स नेस्ट। जो टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट था एक एजुकेशन की स्कीम में, उसमें उसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रूव टू बी अ का मतलब कि उनका उसके अंदर मर्ज होना, उसमें इन्वॉल्व होना, जो एक कोई भी स्कीम रही होगी, टू बी अ मेयर्स नेस्ट, तो वो मेयर्स नेस्ट प्रूव हुआ। मतलब कि अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बोलते हैं, एक सक्सेसफुल प्रूव हुआ उनका टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा अ फॉल्स इन्वेंशन, कि ये जो तरीका उन्होंने अपनाया वो क्या निकला, बेकार निकला, फॉल्स निकला, ठीक है। चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल, ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम। ये मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी करवाया, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज, लेकिन जो टेस्ट सीरीज जो हम 10 to 15 questions डेली करते हैं, जो प्लेलिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें ये सारी ये कुछ वर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो चंदू यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज अंकल, काइंड अंकल मतलब अंकल क्या थे, पोलाइट थे, अच्छे थे, ही थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम। तो गॉन्टलेट क्या होता है, थ्रू अ चैलेंज बिफोर हिम, बी इज द करेक्ट आंसर। द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लीव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम फॉर टीचर्स टू बी इनोवेटिव। इनोवेटिव होता है जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्रिएटिव होता है,
ठीक है, नए नए इनोवेशंस लेके आता है, नए नए तरीके लेकर आता है, जैसे कि आप नए नए इनोवेटिव वेज में अपने पढ़ाने की टीचिंग मेथडोलॉजी को चेंज कर सकते हो, जो एस्पिरेंट्स हैं अपने नोट्स की मेथडोलॉजी चेंज कर सकते हैं, अपने रिविजन की मेथडोलॉजी चेंज कर सकते हैं, विच यू कॉल्ड अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। तो ये होता है इनोवेटिव वे, और सभी को इनोवेटिव वे में काम करना चाहिए, क्योंकि दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट स्टडी। द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लीव्स वेरी लिटिल एल्बो रूम, मतलब बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, वेरी लिटिल मतलब कुछ संभावना थी, ना के बराबर नहीं थी, बहुत थोड़ा सा था एल्बो रूम, मतलब कि बहुत कम आज़ादी छोड़ी, ठीक है, उस सिलेबस में क्या बहुत कम आज़ादी दी, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिया कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर सको, फॉर टीचर्स टू बी इनोवेटिव, मतलब ठीक है जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे चल रहा है उसको चलाते रहिए, तो उन्हें बहुत कम स्पेस दी गई कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। भाई सीधी सी बात, आपको फ्रीडम मिलेगी तभी तो आप किसी चीज़ में चेंज करोगे ना, तो इसका मतलब यही होता है। उसी तरीके से जैसे कि ट्रेडिशनल पैटर्न जो टीजीटी पीजीटी का पहले होता था, अब चेंज हो चुका है, कंपटीशन टफ हो गया है, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है, उसमें आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही है एग्जामिनर वो जज कर रहा है, ग्रामर भी चेंज हो चुकी है, चेंज मींस रूल चेंज नहीं हुआ, कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ, बट उस क्वेश्चंस को पूछने का तरीका चेंज हो गया, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई का पैटर्न भी थोड़ा सा इनोवेटिव और चेंज करना चाहिए, खुद को अपग्रेड रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये आज की एक्सरसाइज पूरी होती है, कल फिर से हम एक और एक्सरसाइज के साथ में मिलेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ये मैं बहुत ही प्राउडली हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है और आप लोग जुड़ते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ डेली आप एक एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे। अगर आप साथ साथ में चलते हो तो अपना ये पूरा टॉपिक आप क्लियर कर लोगे वो कैप का, ये मेरी गारंटी है। यहाँ से आपका सारा सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, जिसके लिए आप इतना पैसा देते हो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिए। नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग, उससे भला होता है, आपका बुरा कभी नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।